पढ़ाई लिखाई करना नहीं, हर वक्त लड़ाई झगड़ा बा। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जब से फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई हूँ सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ बुआ, इंदु बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक जिम्मेदार और अच्छी इंसान बने। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन तेरी मम्मी सिर्फ तेरी बेहतरी चाहती है, सिर्फ तेरी बेहतरी। बिल्कुल मापे गई, सुबह सुबह आइसक्रीम, चल जा। इंदु चल बेटा उठ, स्कूल नहीं जाना, चल उठ जा। मम्मी मुझे बहुत बुखार है। बुखार है तुझे? देखो जरा गाल पूरा ठंडा पड़ा है तेरा, चल बहाने मत बना, उठ उठ जा। ईशान जब छोटा था ना तो वो भी ऐसी बहाने बनाया करता था, फिर मैं उसे कान खींच कर ले जाया करती थी। अब तेरे भी कान खींचू क्या? चल उठ जा। मम्मी मुझे सच्ची में बुखार है। नहीं कोई बहाना नहीं, चल आ जा। क्या कर रही हैं आप, छोड़िए इसे, छोड़िए। देखिए ना स्कूल ही नहीं जा रही, बहाने बना रही है। ऋषि कुमार मुझे बहुत बुखार है और मम्मी मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज रही है। बुखार से बदन तप रहा है इसका और आप भेज रही हैं स्कूल। मैंने हाथ लगाया था गाल पे तो वो ठंडा था, बुखार कैसे हो सकता है? ठंडा है तभी 102 है टेम्परेचर। कमाल है वैसे श्रीमती जी, आपको अपनी हिटलर गिरी और जिद के आगे अपनी बेटी की बीमारी तक नहीं दिखती है, बढ़िया है। मैंने छुआ था गाल तो। आप सॉरी बच्चा, मैं चला जा। आ जाए छोड़ी। ऋषि कुमार मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा कोई कोई नहीं भेजेगा आपको स्कूल, आप आराम से रेस्ट करो। हाँ कोई नहीं भेजेगा। एक बात बताओ ऋषि कुमार। हाँ बोलो। स्कूल के बच्चे बहुत बदमाश है, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था। कोई बात नहीं इंदु, वो जितने भी शैतान लड़के हैं ना सबके नाम बताना, मैं पनिश करूंगा उनको, ओके? और बेटा अगर वो तब भी नहीं सुधरे ना तो फिर वो कोर्ट में जज अंकल होते हैं ना, हम उनको उनको शिकायत करेंगे बेटा, हैं? फिर वो पनिश करेंगे उनको, ठीक है? चल शाबाश। आ
आइंदा मेरी बेटी इंदु को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तुम लोगों ने, तो मैं सीधे प्ले ग्रुप में डिमोट करवा दूंगी तुम लोगों को, समझे? और हाँ, तुम लोगों की मम्मी को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आज के बाद से अगर तुम लोगों ने किसी को भी चिढ़ाया, किसी बच्चे को भी तंग किया ना, तो तुम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। सुन लिया? तुम लोगों ने क्या स्कूल को कुश्ती का मैदान बना रखा है? आगे अगर किसी की कंप्लेन मुझे मिली, तुम में से किसी की भी, तो मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगी, समझे? खड़े क्या हो? गो टू योर क्लास। सॉरी मैम। सॉरी आंटी। आई से गो टू योर क्लास। मैम, मैंने इंदु की फीस भर दी है, ये रही उसकी रिसीप्ट। लेट इट बी। मुझे पता है कि इंदु की वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बच्ची है। ठीक है तो मैं चलूं। थैंक यू। हेलो। हेलो मिसेस कुमार। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। मिसेस कुमार, एक एड्रेस लिखिए और फौरन आ जाइए। अभी तो जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए मिसेस कुमार, बहुत अर्जेंट है। राजरानी जी। जी सर। हमें उनसे मिलना है, आइए। ऋषि कुमार, इन्होंने कंप्लेन की है आपके खिलाफ कि आपने यहां लड़कियां छिपा रखी हैं। अरे ओ इंस्पेक्टर, हुस्न और खुशबू ना छिपाने की चीज नहीं होती। और मैडम जी, आशिकी करना मेरे बस की बात नहीं, मैं तो टू इन वन हूं, टू इन वन। और मुझे लड़कियों की क्या जरूरत, और तुमसे किसने कहा कि राजरानी लड़कियों का धंधा करती है? हम तो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा। आज तेरी भी कर दूंगी सेवा, तो अब आपकी कानून करेगा। ये रहा सच बॉल। हमें इस जगह की तलाशी लेनी होगी। आए ले लो तलाशी, मैं तलाशी से डरती हूँ। डरे तो वो जिसने कोई बुरा काम किया हो, ले लो। चलो तुम दोनों उस साइड जाओ, तुम दोनों ऊपर जाओ, मेरे साथ चलो। बड़ी कड़क चीज है तू, एकदम बिजली की तरह। क्या तेवर है तेरे? अबाजू, वो खुशबू मार रही है ये। कौन सी क्रीम लगाती है तू? हाँ बताना मेरे को, देखना मेरी तो ये सारी की सारी स्किन झुलस गई है, और कमबख्त मारी इस दिल्ली की गर्मी ने तो मेरी स्किन को एकदम झुलसा दिया है। हाँ बताना, मैं भी ना तेरी तरह से खूबसूरत बनना चाहती हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ, ऐश्वर्या राय जैसी दिखना चाहती हूँ। मैं बता देना। हाथ मत लगाना, तुझ जैसे इंसान का हाथ भी लगाना मुझे पसंद नहीं, समझा? क्यों? बोल ना। इसलिए कि मैं टू इन वन हूँ, यह मेरी काया काली है इसलिए। अरे बताना। आत्मा काली है इसलिए। तुम जैसे लोग ना मेरी जूती के लायक भी नहीं होते हो, मेरी जूती मैली हो जाएगी ना। ऐसे रज्जो ने बहुत सारी लड़कियां देखी, लेकिन तेरे जैसे गर्म खून वाली लड़की आज तक नहीं देखी। तेरे लिए इतनी गर्मी अच्छी नहीं, इतना ऊंचा मत बोल,
कहीं तुझे पछताना ना पड़े। ये राज रानी है, राज रानी, समझी? कानून अरेस्ट करने की इजाजत नहीं देता है। ये मेरे क्लाइंट हैं और मैं इनका एडवोकेट। एंटीसिपेटरी बेल करा दी गई है इनकी मैडम। चल रहा है ये तुम दोनों के बीच में? ए बैजू, ओ मेरे को लगता है इन दोनों का यार है ना है। चुप रहो, बीच में मत बोल। तो आप इस दरिंदे का केस लड़ रहे, इसलिए मैं सोच रही थी कि इतने पैसे आए कहां से आपके पास? इतनी फीस दी किसने आपको? शिट, पागल हो गए क्या? दिल्ली में आपको यही क्लाइंट मिला था? मुझे इतने सारे पैसे क्यों मिल रहे हैं? यही ना? अरे क्योंकि मैं काबिल हूँ, लायक हूँ, हैरानी नहीं मिल रही है मुझे। और आप चाहती क्या? अरे मैं काम करूँ तो प्रॉब्लम, ना करूँ तो प्रॉब्लम, बताइए ना, एक बार बताइए करना क्या है। बहुत कुछ के लायक है ऋषि, लेकिन ये इंसान किसी भी कानून की मदद के लायक नहीं है। ये इंसान के खान में भेड़िया है, भेड़िया। और मैं नहीं चाहती कि आप इसका केस लड़े। बस एक्सक्यूज मी, आप मेरे क्लाइंट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकती हैं। मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में टांग मत अड़ाइए प्लीज। अड़ाऊंगी क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप क्या करेंगे। रोक लीजिए। बात खिचड़ी पक गई तुम दोनों के बीच में, अब तुम मेरी सुनो। मैंने कहा ना ए, चुप। आप बात कर लिया तेने अपना नाटक, बात हो गई तेरी नौटंकी। मैं राज रानी हूँ, राज रानी, बीच में आना मेरा जन्मजात पेशा है, समझी? मैडम आप इन्हें पहचानती है? तू तो चुप ही रहे। अरे ओ खाकी के, और मैं तुझे बता देती हूँ, ऐसे समझ ले कि ये तो है अभिषेक बच्चन और ये है ऐश्वर्या राय बच्चन, समझ गया? अरे ओ चिकने, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। देख, हम काम धंधे वाले लोग हैं और धंधे में ना हम रिश्ता नहीं निभाते। आए तेरी जात तो मैंने देख ली, एकदम जोरू के गुलाम हो तुम। बीवी आंख दिखाए और मर्द मलहम लगाए। तेरे को अगर मेरा केस लड़ना है तो लड़, और नहीं लड़ना है तो मना कर दे। हाँ, और अगर मना करता है ना तो मेरा सारा रोकड़ा भी यहीं रख दे। हाँ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन तुम जैसे हत्यारे और खूनी का केस लड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, ओ समझा, क्यों बोल रही हैं आप ये? ताकि मैं निकम्मा और
नकारा घर में बैठा रहूं और इन्हें मौका मिले ताने मारने का, है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं आपके लिए नहीं, मतलब आपका केस तो मैं लड़ूंगा, इनके लिए नहीं। ये केस छोड़ने के लिए नहीं लिया ना, मैं आपका केस पूरी ईमानदारी के साथ लड़ूंगा और आपको इंसाफ भी दिलाऊंगा। देखिए मेरी पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, विश्वास कीजिए मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगा। किसे इंसाफ दिलाएंगे आप? किस दरिंदे को इंसाफ दिलाएंगे? आपको पता भी है इसने किया क्या है? 8 मासूम लड़कियों को कैद करके रखा है, उन्हें बेचना चाहता है ये ऋषि। सचनी का मर्डर भी इसी ने किया ऋषि। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ठीक है आइए मेरे साथ, आपको यकीन हो जाएगा। देखिए आइए अपनी आंखों से देखिए, खोलो दरवाजा, दरवाजा आ जाओ बेटा, देखिए एक एक करके आ जाओ। आओ पूजा की समय हो गया। सासु मत बोलो बेटा, राजरानी तो बड़ी भक्त और दयालु स्त्री है। ये बच्चियां तो देवी माँ के कन्या भोग के लिए आई हुई, राजरानी को इन बच्चों में भगवान नजर आते। भगवान? अरे पंडित जी इन्हें तो हर इंसान में भगवान नजर आ रहा है आज। चुप कर जाओ। अब चुप। अब नहीं, एक मिनट। देख बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताओ, वो राजरानी वही तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ लेकर आया ना? सच बोलो। नहीं दीदी, राजरानी हमारी गुरु माँ है और हमें काली माँ की पूजा के लिए लाया गया है। तुम बताओ बेटा। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को बचाऊंगी, बेझिझक बोलो। वही है ना तो तुम लोग को उठा कर लाया जबरदस्ती, बोलो। ऐसा मत बोलो दीदी, छोड़िए हमें पूजा में जाना है। करो मत, मैं बचाऊंगी तुम लोग। बस अभी हो गई ना आपकी तसल्ली, या कोई ड्रामा करना बाकी रह गया? पंडित जी वो खड़े नहीं थे। चलो आ जाओ बेटा, अपना बदल जाओ, पूजा का समय हो गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ। जय माता की। ऋषि आप मेरी बात मानिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारे बच्चे डरे हुए। ऋषि जरूर इस राक्षस ने इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी होगी, आई एम श्योर ऋषि, बिलीव मी। आपको इन उल्टे सीधे कामों में टांग अड़ा के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्या? जानती कितना बहुत खतरनाक है वो। मुझे उसका डर नहीं है ऋषि, अब तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि अब आप मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। घर जाना, पाउडर लगा, क्रीम लगा, बंद कर अपनी ये नौटंकी, चल हट। मेरी पूजा का वक्त हो रहा है पंडित जी। नौटंकी तो अब शुरू भी नहीं हुई है और तेरी ये कोई भी पूजा काम नहीं आने वाली। जा रही हूँ, लेकिन क्या था, तुझे कोर्ट में घसी दूंगी और तुझे सजा भी दिलवाऊंगी, क्योंकि कोर्ट में जो सबूत मैं पेश करने वाली हूं ना, उससे तेरे दादा भी क्या, तेरे परदादा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पता है ना?
रजनी की मौत का एक लौता अहम सबूत मेरे पास है, इसलिए उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं जेल जाने के लिए।